दोस्तों, अगर आप लोग एक फेसबुक यूजर है और आप लोग अपना फेसबुक आईडी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा प्लीज कन्फर्म योर आइडेंटिटी। लेकिन जब आप लोग आइडेंटिटी कन्फर्म करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। वहाँ पर आपको बताया जाएगा आइडेंटिटी नॉट कन्फर्मेड। तो आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अपना प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मेरा नाम है कमरोज, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल कमरोज। यदि आप लोग इसी तरह और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। अब ब्राउजर में आपको सर्च करना है facebook.com, सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपका सामने कुछ प्रकार इंटरफेस खुल कर जाएगा। तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आपको इंटर कर देना है, जिस फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से आप लोग फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर कर देना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, प्लीज कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं देगा आप आइडेंटिटी कन्फर्म करने के लिए। यहाँ पर एक नोटिस आ जाएगा आइडेंटिटी नॉट कन्फर्मेड। इसके बाद यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद 7 डेज के अंदर अपना फेसबुक आईडी किसी भी डिवाइस में लॉग इन नहीं करना है। जब 7 डेज पूरा हो जाएगा उसके बाद लॉग इन करना है, और लॉग इन करने के साथ साथ आपको आइडेंटिटी कन्फर्म करने के लिए ऑप्शन दे देगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं देते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 100% कह सकता हूँ आपको आइडेंटिटी कन्फर्म करने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। अगर आप लोग इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके रख सकते हैं। तो आज बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।